अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरा खिलौना का ब्लॉग है, पार्ट 3 का। ये हम वैंकूवर जा रहे थे और ये रास्ते में बहुत खूबसूरत सीनरीज थी, तो मैंने इन सबको कैप्चर किया। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। और बहुत ही छोटा ब्लॉग है, बहुत सारी फुटेज जो है मुझे डिलीट हो गई। और ये है कि जो मेरे पास थी उनको मैंने गैदर करके ये वैंकूवर का ब्लॉग बनाया है। नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं बनाऊँगी वो कैलगरी का होगा। तो अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग इन्जॉय करते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना माउंटेन, कितनी खूबसूरत ये ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था। और ये कुछ जगह स्नो थी जो अभी भी मेल्ट नहीं हुई थी, उसको मैंने कैप्चर किया था। और ये आप व्यू देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे हम मरी जाते हैं, उस किस्म का ये था रास्ता। साइडों पे पहाड़ थे और बीच में एक जो था वो बहुत अच्छा हाईवे, बिल्कुल बिल्डेबल था। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू था। हमें जाते हुए कुछ 4 घंटे का ये रास्ता था खिलौना से वैंकूवर, बट हम लोग को 5-6 घंटे लगे, क्योंकि मेरी बेटी को जो था मोशन सिकनेस हो रही थी, तो वो बार बार वॉमिटिंग कर रही थी। अब हम ये वैंकूवर के कैपिटल विक्टोरिया में आए हैं। हमें वैंकूवर से फेरी लेके 1 घंटे की हमें विक्टोरिया जाना, और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है बाय रोड, ये हमें फेरी लेके ही जाना था। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू था ये। और उस दिन मौसम भी बहुत ही अच्छा था, गर्मी नहीं थी पर बहुत अच्छा था। ये आप देख सकते हैं क्लाउडी भी था। और बहुत सारे मैंने जो थी पिक्चर्स ली थी और ये कैप्चर मैंने किया था वीडियो में, तो उम्मीद है आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आ रहे थे, वहाँ पे लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए थे। मेरे ख्याल से जो रिटायर्ड लोग होते हैं उन्होंने वहाँ घर बनाए हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था। और ये हमें पूरा 1 घंटा लग गया था। और ये फेरी बहुत बड़ी थी, गाड़ी जो थी वो जो था बेसमेंट में पार्क थी, और ऊपर सब ये जैसे फेरी के बेसमेंट में थी, और ऊपर जो था सब लोग थे। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, कैफे थे, स्टारबक्स था। और ये जी हम पार्लियामेंट हिल आए हैं, और वहाँ से जी वॉक करके 1 घंटे के जी हम पार्लियामेंट हिल आए थे। और अंदर जो था पार्लियामेंट हिल की इतनी वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि हमें अलाउ नहीं था। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे, जो उन्होंने टूरिस्ट के लिए खोला था, बस वहाँ पे ही मैंने वीडियो बनाई। मगर इस ब्लॉग के एंड में मैंने बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की हैं, उम्मीद है आपको पिक्चर्स में पता चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ही व्यू था। और ये कनाडा का पार्लियामेंट हिल था जो विक्टोरिया में है, और बहुत खूबसूरत ये बना हुआ था। ये हमारा लेवल 1 पे मैंने इसकी वीडियोस बनाई थी, उसके बाद जी बनाने नहीं दी। तो ये वहीं पे आसपास में एक चाइनीज़ स्ट्रीट थी, वहाँ पे चाइना टाउन बना हुआ था, तो उन्होंने चाइना की तरह जैसे पतली पतली गलियाँ होती हैं वैसा था, तो मैंने उसको कैप्चर किया। फिर जी ये हॉर्स राइडिंग हो रही थी और इसकी वीडियो बनाई। और ये अब हम लोग जो थे अपने होटल जो थे वापस जा रहे थे। ये रात 9:30 का टाइम था, बहुत थक चुके हुए थे हम लोग। और ये व्यू मैंने आपको दिखाना था कि बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। आप देख सकते हैं ये व्यू था, एक साइड पे क्लाउडी था बहुत ज़्यादा और एक साइड पे सूरज था। और वापसी पे जाते हुए हमने एक रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने स्टे ओवर किया, जहाँ पे हमें खाना खाना था। बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन रेस्टोरेंट था, और मैंने सोचा आपको मैं उसका अंदर का व्यू दिखाऊं। और ये अंदर से बैठ के बाहर का व्यू आ रहा था, वैसा लग रहा था जैसे पिक्चर ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी पिक्चर लेके वहाँ पर लगाई हुई है। और ये होटल जाते हुए वापसी का व्यू था, और याद देख सकते हैं हॉट एयर बैलून थे, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ा आया। और ये मेरा पार्ट 3 है, और मैं नेक्स्ट पार्ट 4 अपलोड करूँगी कैलगरी का। ये मेरे पास थोड़े से फुटेज बच गए थे पार्लियामेंट लेके, मैंने सोचा वो ऐड ऑन कर लूँ, और ये सारी बाद में पिक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल।